तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करना पड़े, सिंपली आधार कार्ड को अपलोड करके और अपना रिसीविंग इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो खुद से घर बैठे, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला दोस्तों करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर से आपको डालना है serviceonline.bihar.gov.in, उसको सर्च कर लेना है। तो उसी तरीके से सेम दोस्तों अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। पहले आपने ऑलरेडी आईडी को क्रिएट किया है तो ठीक है, अगर क्रिएट नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पे खुद का पंजीकरण पे क्लिक करके और आसानी के साथ अपने आईडी को सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। इसमें आपको अपना नाम डालना है, साथ में अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद पासवर्ड क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे बिहार, और साथ में कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जो कि ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते हैं दोस्तों, आपको सिंपली क्या कर लेना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है और लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। सिंपली दोस्तों इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था, साथ में अपना पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है, फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ कि इसमें आप आसानी के साथ जितने भी सर्विसेज है उसको आसानी के साथ आप यूज कर सकते हो, यानी कि अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन दिया है, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस जो दिया है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पोर्टल पे जितने भी सर्विसेज हो गए बिहार में, वो सारा चीज दोस्तों यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पेज भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और सिंपली सा अगर आप बनाना चाहते हो डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे सर्च पे भी क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब सपोज करिए जैसे मुझे इनकम बनाना है, तो INCO यहाँ पे डालते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आ गया। एक तो है डीएम लेवल है, आरओ लेवल है और एसडीओ लेवल है। हमें सिंपली ब्लॉक लेवल से बनवाना होता है, अगर एसडीओ लेवल से बनाना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, डीएम लेवल से बनवाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिंपली मुझे ब्लॉक लेवल से बनाना है तो ब्लॉक लेवल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन गया जाएगा। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल, अगर फीमेल है तो फीमेल पर सेलेक्ट करेंगे, और साथ में यहाँ पे शादीशुदा है तो श्रीमती, अगर शादीशुदा नहीं है तो सुश्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको नाम डालना है एप्लीकेंट का, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद से ऑटोमेटिक स्पेस जैसे आप क्लिक करोगे तो उसका जो हिंदी में नाम होगा यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे नाम है तारा, स्पेस जैसे दोगे तो वहाँ पे हिंदी में भी आ जाएगा, और यहाँ पे कुमारी जैसे डालोगे तो यहाँ पे हिंदी में तारा कुमारी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे फादर नेम डालना है, उसके बाद से मदर नेम डालेंगे, उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड है। ये है उन बंदों के लिए जो यहाँ पे श्रीमती सेलेक्ट करके रखे हैं, यानी कि जिस भी लड़की का शादी हो गया है उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो डाल देंगे, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। साथ में तो अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना सिलेक्ट कर लेंगे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना अनुमंडल आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपना ब्लॉक डालेंगे, यहाँ पे वार्ड छोड़ सकते हो क्योंकि ये माइनॉरिटी नहीं है, और साथ में ये टाइप ऑफ लोकल बॉडी जो है ये भी माइनॉरिटी नहीं है, इसको भी छोड़ देना है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना विलेज डालना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो के पे क्लिक करेंगे, जो कि एप्लीकेंट का होना चाहिए जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशन पूछेगा किस पेशे से हो, यानी कि अगर छात्र हो तो सिलेक्ट कर लेंगे, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट है, बिजनेस है, फार्मर है, जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। साथ में दोस्तों यहाँ पे कृषि से आए, यानी कि आप जो भी कृषि से इनकम करते हो, जैसे हमको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो अक्सर लोग जानते हैं क्या 30,000 जो हो हमारा कृषि से आय हो जाता है, बहुत सारे लोग जो बनवाते हैं। साथ में जो हमारा बिजनेस जो इनकम है वो हमारा होता है कितना 60,000 का, अक्सर लोग 90,000 तक का यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम बताते हैं, कुल आय इसी तरीके से। तो आप चाहें तो इसमें आप घटा बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको 80,000 का बनाना है तो सिंपली आप इसको 20 भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे 20 करोगे तो यहाँ पे 80,000 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे भी आप कम कर सकते हो। मुझे 90,000 का बनाना है तो मैं यहाँ पे 30,000 रखूँगा, और यहाँ पे कुल आय जो है यहाँ पे 90,000 ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ के आ गया। इस तरीके से कुछ आपका फॉर्म आएगा, व्यवसाय का आय जो है यहाँ पे आ जाएगा 60,000, कृषि का आय जो है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 30,000। उसके बाद सिंपली दोस्तों नीचे में आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेंट जो है ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा, साथ में यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक करेंगे। डालने के बाद सिंपली प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एक चीज दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अगर आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि आधार नंबर दिया है, आप इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, नहीं तो अगर है तो आप डाल के डायरेक्ट आप ऑनलाइन भी वेरीफाई करा सकते हो। सबमिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का आपके सामने डॉक्यूमेंट का सारा यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगा। अभी तक आपने सबमिट नहीं किया है, सिंपली नीचे में आएंगे, नीचे में आने के बाद यहाँ पे अटैच एनेक्स जो दिया है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दस्तावेज पूछ रहा है, यानी कि हम ऑनलाइन नहीं कर रहे ऑफलाइन कर रहे हैं, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। मतदाता का पहचान जो है आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जो भी आईडी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, जो भी आपके पास आईडी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली हम आधार कार्ड पर सिलेक्ट करते हैं, चूज फाइल
पे क्लिक करेंगे और आसानी के साथ आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपका यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है दोस्तों सबमिट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आवेदन संख्या आपको मिल गया है, साथ में आवेदन का तिथि है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सिंपली इसको प्रिंट आउट कर लेना है या फिर से आपको इसको सेव कर लेना है। एक्सपर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ये जो है आपका आवेदन सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको एक तिथि दिखा देगा कि कब तक आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया है कि कैसे आपको जाति या निवास डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी के साथ इनकम सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आय प्रमाण पत्र। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसा ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।